सावन के पवित्र माह में पंडित नित्य त्रिपाठी मित्र मंडल द्वारा स्थानीय खेड़ापति मंदिर से तुलसी के पौधे वितरित किए जा रहे हैं। त्रिपाठी ने बताया कि इस कोरोना काल में तुलसी संजीवनी का रूप लेकर सामने आई, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ऐसे समय प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। इसी मंशा के अनुसार शहर में खेड़ापति मंदिर से प्रतिदिन तुलसी के पौधे बांटे जा रहे हैं। इस अभियान का दूसरा दिन था जिसमें तुलसी के पौधे वितरित किए गए। मैं सभी से प्रार्थना की कि पौधे को अपने घर में लगाएं और तुलसी के लाभ से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इस शुभ अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, पत्रकार साथी अनिल सिकरवार, श्रीकांत उपाध्याय, संतोष मोदी, युवा कांग्रेस देवास विधानसभा के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह झाला, चंद्रपाल सिंह सोलंकी, विजय सिंह चौहान, राजेश कुमावत आदि मौजूद रहे। कल हड़ताली हरियाली बीच के उपलक्ष्य में हमने ये प्रण लिया कि जो कोरोना काल में संजीवनी बना पौधा तुलसी का पौधा जिसकी घर घर में पूजा की जाती है, प्रत्येक हिंदू परिवार इसको घर घर में पूजा की जाती है और तुलसी संजीवनी बन के उभरी है कोरोना काल में, तो हमने ये प्रण लिया है कि 1100 तुलसी के पौधे देवास शहर के आमजन में हम वितरित करेंगे, जो अपने घर पर इस पौधे को लगाएं और उसका लाभ ले सकें। इसलिए ये हमने आज ट्रेंड लिया है और उसी कार्यक्रम में आज हम यहाँ पर कल से ही अभियान शुरू किया। लगभग रोज़ खेड़ापति मंदिर से इसकी शुरुआत रोज रहेगी और रोज़ हम शहर में हमारा लक्ष्य है 1100 से लेके ये तो लक्ष्य शुरू किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम 5100 तक हम पौधे शहर में बांटें। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।